Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome class 8 in the period of English. We will do active and passive voice today. As yesterday we have done present indefinite, past indefinite and future indefinite. और वन बाय वन हम लोगों ने इनमें स्टडी किया था कि किस तरीके से स्पेसिफिकली इनमें चेंजेस लेकर आएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम लोगों ने जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इज एम आर का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, पास्ट इंडेफिनेट को चेंज करना है तो वॉज एंड वर्ब को यूज करेंगे, और अगर फ्यूचर इंडेफिनेट को कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तो हम बी का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बाकी जनरल चेंजेस ही हम लेकर आएंगे कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, नंबर टू के हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज, और नंबर थ्री थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज, एंड नंबर फोर चेंज जो जनरल चेंज है वो बाय की प्रपोजिशन आपने यूज़ करनी है ऑब्जेक्ट से पहले। अब हमारे पास कॉन्टीन्यूस टेंस आता है, हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और पास्ट कॉन्टीन्यूस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस सिर्फ एक्टिव वॉइस में एग्जिस्ट करता है, उसका पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल नहीं है। हम चाहे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें या पास्ट कॉन्टीन्यूस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें, जो चेंज स्पेसिफिकली आती है कॉन्टीन्यूस टेंस में वो बींग लगाने में आती है, बींग लगाया जाता है बी ई आई एन जी बी। पहला सेंटेंस जो आपको नज़र आ रहा है वो है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का वी आर हेल्पिंग देम, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस होगा तो उसमें is, am, are का हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ होगा, ठीक है, और उसको हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास them का नॉमिनेटिव प्रोनाउन दे आता है, उसके बाद are हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है, फिर आप being लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे helped, फिर by की प्रपोजिशन यूज करेंगे और we, us में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेंटेंस हमारे पास बनेगा दे आर बींग हेल्प्ड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस है वी वर हेल्पिंग देम, ये हमारे पास पास्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है, इसको हम लोगों ने जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या बनेगा सेंटेंस, दे वर बीइंग हेल्प्ड बाय अस, यहाँ पर देम जो है ये आपके पास प्लूरल प्रोनाउन है और इसी तरह वी भी प्लूरल प्रोनाउन है, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई सिंगुलर होता जैसे हमारे पास होता सेंटेंस वी वर हेल्पिंग हिम, तो हिम जो है वो जब कन्वर्ट होता नॉमिनेटिव में तो ही आता तो हम ही के साथ वॉज लगाते, तुम्हारा सेंटेंस होता ही वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय अस। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट को जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो हम बीन लगाते हैं, बी डबल ई एन बीन। हमारे पास जो परफेक्ट टेंस है उसमें हम हैव हैड जो है वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, हमारे पास सेंटेंस है वी हैव हेल्प्ड देम, ठीक है, इसको जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारी सब्जेक्ट ही वी है और ऑब्जेक्ट हमारा देम है, देम दे में कन्वर्ट होगा और वी अस में कन्वर्ट होगा, दे के साथ हैव ही लगता है, अगर यहाँ पर ही होता जैसे वी हैव हेल्प्ड हिम तो हिम की जगह हिम ही में कन्वर्ट होता तो उसके साथ हम हैज़ लगाते, ही हैज़ बीन हेल्प्ड बाय अस, और यहाँ पर क्योंकि दे है तो दे हैव बीन हेल्प्ड बाय अस, बाकी जनरल चेंजेस ही हैं, स्पेसिफिक चेंज हमारे पास बीन ही लगाने की है, हेल्प हेल्प्ड ही आएगा, ऑब्जेक्ट अस से पहले बाय लगा देंगे। नेक्स्ट वी हैड हेल्प्ड देम, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दे हैड बीन हेल्प्ड बाय us, और नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट वी शैल हैव हेल्प्ड देम, तो ये इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन हेल्प्ड बाय us। आज हम लोगों ने दो टेंसेस को किया है और आपके पास जो साइंटिफिक ग्रामर है हम लोगों ने क्लास सेवन्थ के अंदर भी जो है साइंटिफिक ग्रामर ही से एक्टिव पैसिव वॉइस किए थे, आप उन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे, बुक खोलें और वहां से उसको प्रैक्टिस करें, जो आपको समझाया गया है इसी को रख के कॉन्टीन्यूस के टेंस को और परफेक्ट के टेंस के जितने भी आपके पास सेंटेंसेस गिवन है उन सारे के सारे सेंटेंसेस को आप लोग कन्वर्ट करें, और जो है उसके बाद कल हम लोग जो हैं वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स करेंगे और इम्पैरेटिव सेंटेंसेस
करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.